वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट टूडेज टॉपिक इज द काशी थेरम टू मल्टीपल कनेक्टेड रीजन सो इट्स टीट्स दैट इफ एबज इज एनालिटिक इन अर रीजन आर बिटवीन टू सिंपल क्लोज कर्व सी वन एंड सी टू दैन द इंटीगल ओवर सी वन इज इक्वल टू द इंटीगल ओवर सी टू सो ये हमारे पास कर्व है दैट इज सी वन सी टू ये हमारे पास पाथ है ए बी और इसी तरीके से इसका रिवर्स भी हमने पाथ होगा तो वो बी ए के अलाग होगा एंड दिस इज सी कर्व सी वन एंड सी टू सो हमें यह प्रूव करना है एफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है इन रीजन आर में बिटवीन दीज टू सिंपल क्लोज करी वन एंड सी टू देन वी हैव टू शो दैट दिस इंटीगल इज बेसिकली इक्वल टू दिस सो वी नो दैट दिस दैट इज इंटीगल डी जेड दिस इज इक्वल टू जीरोग दाथ ए बी एंड दर्व सी टू सो अलॉन्ग दिस पाथ एंड दर्व सी टू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अलॉन्ग द पाथ बी एंड द सी 1 in the anti clockwise direction. So, this integral is 0 in these cases. So, from this we get that integration over a b this path that is along a b path then f of z dz uh, then plus. Next is the curve uh, C2. We can write here C2, then f of z dz, and then next uh, uh, next path is BA, then f of z dz, and again the next is integral is along the curve C1, and it is f of z dz, and this whole is equal to zero. So from this we can write. और वी कैन राइट इंटीग्रल ओवर सी वन और सी टू एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर सी वन एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ए बी एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल ओवर बी एफ ऑफ जेड डी जेड सो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे ये सारे इंटीग्रल्स क्या होंगे ये जो इनका एड सम होगा वो किसके इक्वल होगा जीरो के बिकॉज हमने लिखा था कि दैट जो होल इंटीग्रल अलॉन्ग दिस कर्व होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के इक्वल आएगा सो so, वो कौन सा पाथ को लेके चलेगा पहले पाथ एक होगा उसमें दैट इज इंक्लूड करेगा ए बी देन सी टू कर्व एंड देन बी ए एंड सी वन जो ये ए बी और जो कर्व सी टू है ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होंगे और जो पाथ बी ए और सी वन कर्व है वो हम, हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होंगे सो so, यहाँ से हमने फर्दर लिख दिया ये जो दो इंटीग्रल्स हैं इनको दिस इज इक्वल टू जीरो होंगे अगर क्या होगा जब ये इंटीग्रल जो होगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स दिस इंटीग्रल सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हम इस क्या करेंगे इनकी रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे सो so, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा आई विल राइट हेयर रिवर्सिंग द डायरेक्शन रिवर्सिंग द डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ द इंटीगल अराउंड सी टू ऑफ द इंटीगल अराउंड टू सो हमने रिवर्स कर दिया डायरेक्शन किसका इंटीगल का अराउंड सी टू सो वी गेट सो वहां से हमें क्या मिल जाएगा डायरेक्टली वी गेट दैट इंटीगल ओअर सी वन देन एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू इंटीगल ओअर सी टू एफ ऑफ जेड डी जेड सो विच प्रूव द थेरम सो बहुत सिंपल है कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है जस्ट आपने देखना है कि किस तरीके से हमें इसका जो सोल्यूशन है सिंपल uh, वे में प्रोवाइड करना है थैंक यू